भाई मैं उस दिन वलीद से नहीं जैद से मिलने गई थी, लेकिन आपने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और निकाह की शर्त रखती हमारी जान बख्शी के उस। माजी को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास एक और मौका है अच्छी माँ बनने का और अच्छी बीवी। कोशिश तो करती लेकिन सीने में लगे जख्म मुझे जीने नहीं देते। ऊपर से सलीम का रवैया बार बार माजी के ताने देता। क्या सारा, मैं सलीम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। तुम अच्छी तरीके से उसके किरदार से वाकिफ, फिर भी उसका इंतखाब किया। क्या करती भाभी, बेवकी की जिंदगी भी गुजारने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन दुनिया जीने नहीं देती इस हद से। खैर अपनी भाने की कोशिश करो। अशमत भाई, मेरी फातिमा कब तक जीती रही? क्या हुआ था उसके साथ? वो तो हमेशा से कमजोर खुराक की शिकार थी। तुम्हारे जाने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। कितनी बदनसीब माँ, अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं सकी। इसे मैं तुम्हारी बदनसीबी समझूं या बेहिसी, तुम्हारे घर छोड़ने के बाद आज तक तुमने फातिमा का नहीं पूछा, वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। अशमत भाई, मैं तो यही समझती रही कि वलीद के पास है और वलीद बहुत अच्छा बाप। हाँ वलीद बहुत अच्छा बाप है, उसके बेटे बहुत अच्छे हैं, बरखुदार हैं और बीवी बहुत नेक है। सजा तो मैंने उठाई, जैद के बाद सलीम जैसे जालिम इंसान की बीवी बन गई। कौन सा जुल्म किया मैंने तुम पर? ये तुम क्या कह रही हो उनके सामने? सलीम प्लीज, मेरे भाई भाभी आए हैं अभी, इस वक्त नहीं। और अनी के सामने तुम ये कह रही हो कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ? सलीम प्लीज, चलो तहमीना। थोड़ी देर रुक जाए भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला तो अब नहीं रुकेगा। मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, चलो तहमीना, अपना ख्याल रखना। भाई प्लीज कुछ देर तो रुक जाए। भाभी पहली मर्तबा मेरे भाई भाभी घर पे आए थे, तुमने उन्हें भी जाने पे मजबूर कर दिया। ये मेरी वजह से नहीं गए, तुम्हारे झूठ की वजह से गए यहां से। सलीम, सायरा, मेरी नीयत वाज़े है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक अच्छा बना रहे, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। मैं तुम्हारे झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। थैंक यू सलीम, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो।